हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी थर्ड ईयर 2021 से क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का। पेपर नेम है आपका सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपका बीएससी सिक्स सेमेस्टर का है फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके अवध यूनिवर्सिटी 2021 में हुआ था। पेपर नेम है आपका सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट का यहाँ पर बी पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी है, डिफाइन करना है आपको मास डिफेक्ट के बारे में। उसके बाद ये आपका डी है, फिर आपका ये ई वाला है, व्हाट डू यू मीन बाई फर्मी गैस। उसके बाद है आपका एफ, एक्सप्लेन न्यूक्लियर डिटेक्टर विथ एग्जांपल्स। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, फर्स्ट में के जी वाले पार्ट में। उसके बाद आपका एच है, राइट सेमी इम्पेरिकल मास फार्मूला। उसके बाद आपका है नौवां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ ए फोनोन। उसके बाद आपका है दसवां क्वेश्चन, व्हाट इज हॉल इफेक्ट। तो ये था आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि आपसे 50 वर्ड्स में इसका आंसर पूछा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टोटल 10 क्वेश्चन है। पेपर ने मैंने आपको बता ही दिया क्या है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, अगर आप उसको नहीं देखें सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये आपका 2021 का है, तो आपको आइडिया लग जाएगा 2024 के लिए कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। उसके बाद देखिए, आपका सा जो सेक्शन सी होता है वहाँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए, दो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से कोई आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसमें दो क्वेश्चन है और करके दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई आपको एक ही यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन बना हुआ है। पहला है, शो दैट रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लैटिस इज एफसीसी लैटिस। इसी में और करके है, डिस्कस लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। ये आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपके दो क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपके दो क्वेश्चन है, दोनों में से आपको कोई एक ही यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और करके आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी आप कर सकते हैं, आपको दोनों में से जो अच्छे से आ रहा है उस टाइम। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से आपका सेक्शन नंबर सी स्टार्ट हो जाता है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, नीचे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको राइट शॉर्ट नोट लिखना है ए बी सी पर। उसके बाद ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2021 का अवध यूनिवर्सिटी का बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।